दोस्तों 2020 जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे बुरा साल बन के सामने आया है। फिर वो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से रिलेटेड हो, ड्रग्स से रिलेटेड हो, या फिर कई नामचीन हस्तियां जो कोरोना से पॉजिटिव हो गई है, जिनकी तबीयत खराब है, या फिर कई ऐसी नामचीन हस्तियां एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जिनकी डेथ हो गई है। बहुत एक के बाद एक जो है बुरे हालात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे आ गए हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, टीवी हो या चाहे बॉलीवुड हो या सिंगिंग इंडस्ट्री हो, बहुत सारी सच्चाइयां बाहर आ रही है और बहुत सारे राज खुल रहे हैं। इसी के साथ जो है बहुत सारी दुखद खबरें भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेके बाहर आ रही है। और अभी इस बुरी खबरों में एक और खबर सामने आ गई है दोस्तों। हम सबके फेवरेट सिंगर बाला सुब्रमण्यम सर, जिन्होंने सलमान खान के लिए जो है आधे से ज्यादा गाने गाए हैं, और उनके गाने जैसे पहला पहला प्यार है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ये सारे जो मेलोडी सॉन्ग्स जो शायद हमारे फेवरेट, एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे मम्मी पापा के जो सॉन्ग फेवरेट्स है, वो सब सॉन्ग जो है उन्होंने गाए थे। वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स में से एक वो सिंगर है, और उनकी तबीयत जो है फिलहाल बहुत खराब है और उन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं तो 5 अगस्त को जो है उनको कोरोना के सिम्टम्स दिखना शुरू हो चुका था। उसके बाद उन्हें एडमिट करा दिया गया था, उसके बाद वो ठीक हुए थे, उन्हें घर लाया गया, और फिर जो है उन्हें वो सारे सिम्टम्स दिखने लगे, उन्हें फिर एडमिट कराया गया और कल से वह वेंटिलेटर पे है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि सलमान खान ने बहुत दिनों बाद ट्विटर पे ट्वीट किया है बाला सुब्रमण्यम सर जी को। वो कहते हैं कि आपने मेरे लिए बहुत सारे गाने गाए हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हालांकि दोस्तों हम सब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है बाला सुब्रमण्यम सर ठीक हो जाए और उनके कई और जो सॉन्ग्स है हमें सुनने को मिले। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।